खाना सही प्रकार से ना खाने से या गलत कर्म से खाने से या विरुद्ध आहार की श्रेणियों को खाने से आपके शरीर में वायु रोग उत्पन्न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी ग्रोथिंग, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी मांसपेशियां, आपके रोग निरोधक शक्ति इत्यादि रुक जाती हैं, जिस कारण से आप दिन प्रतिदिन आपके शरीर में कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में हर प्रकार की बीमारी जैसे वायु रोग घर कर लेते हैं। इनमें सबसे खतरनाक वायु रोगों में से है बीपी, हाई शुगर, अटैक, लकवा। इन वायु रोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनके क्या क्या उपाय होने चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। वायु रोग बहुत ही खतरनाक रोगों में से होते हैं जिसकी वजह से आदमी को उत्पीड़न होकर बहुत ही भयंकर मात्रा में बीमारियों से ग्रस्त होकर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना पड़ता है। पुराने समय में आयुर्वेद ने सबसे पहले मैदा, रिफाइंड इन इत्यादि चीज़ों को राजघरों के लिए यूज करने के लिए बनाया। उन्हें यूज करने पर उन लोगों को पता चला कि इन चीज़ों से शारीरिक उत्पीड़न होते हैं, इस वजह से उसे कारागार भोग में डाल दिया गया। आज के जनरेशन की सबसे मेन समस्या या मेन प्रॉब्लम क्या है कि अनडाइजेस्टिव चीज़ों को जैसे मैदे से बनी या मैदा, आलू या विरुद्ध आहार की श्रृंखला वाली चीज़ों को लगातार खाने से उनके डाइजेस्ट सिस्टम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि उनके शरीर में 80 से 90 प्रकार के जहर बन जाते हैं, जिससे उनकी शक्तिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वायु रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज इन सब के निवारण के लिए हम आप लोगों को 7 ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हैं या कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब आप लोग पूछिए क्यों? क्योंकि आप लोग जब सारी रात आपका अंदर का सिस्टम कार्य करता है तो उसके दौरान आपके शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न होती है कि आप लोग अगर ठंडा पानी पियेंगे तो आपको गर्म सर्द होने का खतरा होगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए, जब भी सुबह उठे तो गुनगुना पानी पिए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर का तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म है। दूसरी बात, जब तक जठर अग्नि क्या होती है, पाचन तंत्र या अमावस्या के अंदर बल रही अग्नि को जठर अग्नि कहते हैं, जो आपके भोजन में से प्रोटीन, विटामिन इत्यादि को लेकर आपके शरीर को परिपूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करता है। उस जठर अग्नि का हमेशा ख्याल रखिए, जब तक वो अपने तक पर न आए तब तक वसा वाली चीज़ें ना खाएं, यानी कि सुबह जल्दी से जल्दी वसा वाली चीज़ों का सेवन ना करें या खाट में पड़े पड़े वसा वाली चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि सुबह सुबह इंग्लिस्तान वाली जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को खाने से आपके शरीर में वसा इतनी ज़्यादा होती है उन चीज़ों में कि आपकी जठर अग्नि उस चीज़ को डिवाइड नहीं कर पाती, उसमें से कन्वर्ट नहीं कर पाती। इसलिए आप सुबह के टाइम जब तक जठर अग्नि अपने पूरी लो पर ना हो तब तक वसा वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। दूसरी बात, जठर अग्नि को शांत रखने के लिए आप जब भी खाना खाएं या खाना खाने से पहले 45 मिनट पहले ही अपने पानी को पिएं, क्योंकि पानी की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग दिन प्रतिदिन खाने के साथ या खाने से पहले या खाने के बाद लगातार पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को पेट हो गया और उस पेट के अंदर इतनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं जो वायु रोगों का के उत्पन्न होने का कारण हो सकती हैं। वायु रोग जैसे कि बीपी, हाई शुगर, अटैक, लोर लकवा दिन प्रतिदिन आपके आड़ोस पड़ोस आपके समाज में बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हर घर में एक व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रस्त है। ये समस्याएं आपके गलत खाने पान की वजह से होती हैं। गलत पान का खाल पान की वजह से आपके शरीर में स्लो पॉइजन जहर बनता है जो आपके अंदर 80 से 90 प्रकार के उत्तक सेलों को मार देता है, जिसकी वजह से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आपके वायु रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि खाने से 45 मिनट पहले पानी पिए, खाने के साथ पानी ना पिए और खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। अब कई लोगों की ये समस्या है कि हम तो बिना पानी के खाना खाते ही नहीं, या लिक्विड के बिना हमें खाना जो वो नहीं होता। तो इस चीज़ का समाधान ये है कि सुबह के खाने के साथ आप जूस यूज कीजिए, दोपहर में हो सके तो छाछ या दही और रात्रि के टाइम आप दूध। और रात्रि को इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि आप अपने खाने में किसी भी ठंडे तासीर वाली कोई भी चीज़ न खाएँ और विरुद्ध आहारों का से जितना हो सके उतना ज़्यादा बचे, क्योंकि विरुद्ध आहार आज के टाइम में वायु रोगों को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। विरुद्ध आहार कौन से होते हैं, जो आहार गुण और तासीर में एक दूसरे के विरुद्ध हो उन्हें कभी भी ग्रहण न करें, जैसे ठंडा और गर्म या खाने के बाद आइसक्रीम खाना। इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ आपको विरुद्ध आहार का शिकार कर सकती है, जिसकी वजह से आपके पेट में स्लो पॉइजन बनेगा और कुछ दिन के बाद आपके अंदर लगातार इम्यूनिटी और गैस की प्रॉब्लम और कब्ज की प्रॉब्लम होती रहेगी। इससे आपके दिन प्रतिदिन तेजाब बनता चला जाएगा और आप
तौन दी इतनी फूल कर खड़ी हो जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप इतने ज़्यादा पतले हो जाएंगे कि आपको मोटा होने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा या कोई टॉनिक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बट मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि जब तक आप अपने शरीर को नेचुरल रूप से ठीक नहीं करेंगे, उससे विरुद्ध आहार और खाने की मात्राओं को अच्छी तरह से प्रीपावक नहीं करेंगे, तब तक आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि आटा, गर्म में जो आटा होता है वो हफ्ते से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि हफ्ते के बाद उसकी गुण और प्रायिकता कम हो जाती है। जब भी खाना खाएं, चाली बनी हुई सब्जी या रोटियों को 45 मिनट के अंदर ही खाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके गुण और प्रायिकताएँ कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी सब्जी या रोटी को दोबारा रीगर्म करके ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से उसके अंदर छोटे मोटे उत्पन्न जहर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बुरा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी तौंद निकल कर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन बातों को ध्यान रखकर आयुर्वेद के अनुसार अपने कार्यरत रहिए और आपके अपने शरीर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके दूध, दही और लस्सी को दोपहर में ही पिएं और रात्रि के समय खाने के साथ किसी भी प्रकार की ठंडी सैलेड या ठंडे तासीर वाली कोई भी चीज़ न खाएं। इस प्रकार से आप अपने डाइट सिस्टम को लगातार प्रिपेयर कीजिए और कुछ दिनों के बाद देखिए आपके मोटापे और पेट की प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। मोटापे को कम करने के लिए हम आने वाले समय में आप लोगों को एक एक्यूपंचर द्वारा किस प्रकार से मोटापा कम किया जाता है, या एक्यूप्रेशर द्वारा किस प्रकार से, या फिर न्यूरोथेरेपी द्वारा किस प्रकार से मोटापा कम किया जाता है, हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट कम से कम 1000 लाइक का होगा। जहाँ तक हो सके अपने वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम आप लोगों को ग्राउंड के बारे में अपनी फैसिलिटीज़ दिखाएंगे, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को यहाँ पर खेल उत्पीड़न की किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं वो करके दिखाएंगे। और आने वाले टाइम में कुछ एक्ट्स में आप लोगों को भाग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। फिर फिटनेस के लिए हम लोगों ने एक ऐप भी डेवलप किया, जिसके द्वारा आप अपना BMR कर अपनी डेली आपको कितना प्रोटीन, कितना न्यूट्रिएंट और कितनी फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि चाहिए उसके बारे में उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको अपना एज डालना होगा, उसके बाद आपको अपना वेट डालना होगा, अपनी हाइट डालनी होगी, आपका जेंडर क्या है और आपकी दिन की एक्टिविटीज़ कितनी है, वो आपको पूरी कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दें कि आपको दिन में कितना प्रोटीन, कितना विटामिन और कितना फैट और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कीजिए और यूज़ करके देखिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद यह है उनके रूटीन और उनकी दिनचर्याओं को बेस्ट बनाकर उनके स्वास्थ्य को सही रखने में उनकी मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।